इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अजूनी शैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तुध आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा कोई नाओ न जाने मेरा लख खुशियां पातशाया जे सतगुर नदर करे जे
सतगुर नदर करे। लख खुशियां लख खुशियां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। सतगुर नदर करे शीतल होए। निमुख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। निमुख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो। सतगुर चरण गहे लख खुशियां लख खुशियां लख खुशियां लख खुशियां लख खुशियां पातशाहियां दे सतगुर नदर करे। सतगुर नदर करे लख खुशियां लख खुशियां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे। सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे जे सतगुर नदर करे 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 सतगुर नदर करे। कि वाहे गुरु 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 वाहे गुरु।
सतगुरु नजर करे लख खुचिया लख खुचिया लख खुचिया लख खुचिया पात छाया जे सतगुरु नजर करे सतगुरु नजर करे लख खुशियां लख खुशियां लख खुशियां पात छाया जे सतगुरु नजर करे शब्द कथ ये सच्चा शब्द कथ गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मत लख खुचिया लख खुचिया लख खुचिया लख खुचिया पात छाया जे सतगुरु नजर करे सतगुरु नजर करे लख खुशिया लख खुशिया लख खुशिया पात लख खुचिया लख खुशिया पात छाया जे सतगुरु नजर करे जे सतगुरु नजर करे लख खुशिया लख खुशिया लख खुशिया पात छाया सुशोचित लाए
मेरे मन एक सुस्यों चित लाए, एक सुबिन सब धंध है, सब मिथिया मोमाए। लख खुशियां, लख खुशियां, लख खुशियां पातशाहियां दे, सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे। लख खुशियां, लख खुशियां, लख खुशियां, लख खुशियां, लख खुशियां पातशाहियां दे, सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे। लख खुशियां, लख खुशियां, निमुख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होवे। निमुख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होवे। तिन सतगुर चरण गगे, जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुर चरण गगे। लख खुशियां, लख खुशियां, लख खुशियां, लख खुशियां पातशाहियां दे, सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे। लख खुशियां, लख खुशियां, लख खुशियां पातशाहियां दे, सफल मूरत सफला घरी, जित सच्चे नाल प्यार, जित सच्चे नाल प्यार। सफल मूरत सफला घरी, जित सच्चे नाल प्यार, नाम आधार, जिस हरि का नाम आधार। बाह पकड़ गुरु काढ़िया, बाह पकड़ गुरु काढ़िया, सोई उतरिया पार। लख खुशियां, लख खुशियां, लख खुशियां पातशाहियां।
सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे। लख खुशियां, लख खुशियां पात छाया जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे। संत सभा जिथे, 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 संत सभा संत सभा जिथे, संत सभा। खान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा, दिन पूरा गुरु लभा। नानक बदा घर तहा, नानक बदा घर तहा, जिथे मृत ना जन्म जरा। लख खुशियां, लख खुशियां, लख खुशियां, लख खुशियां, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाया जे सतगुरु नदर करे, जे सतगुरु नदर करे। जे सतगुरु नदर करे, जे सतगुरु नदर करे, सतगुर नदर करे, जे सतगुरु नदर करे, जे सतगुरु जी दी नदर विच लोक परलोक दे सुखां, लख खुशियां पातशाहियां। असी कई वेरा ए समझ लैने आ कि गुरु नदर कर देवे ता केवल दुनिया दे सुख मिल जांदे हन, नहीं, इना सुखां तो भी करोड़ गुना वध सुख देण वाला जो परमेश्वर दा सिमरन है ना, नाम है, वो प्राप्त हो जांदा है जदों वो नदर कर देवे। पर जे कदों मिटेगी, जे मिटेगी जदों असी अपना आप गुरु दे अर्पण कर देवांगे। भाई संतोखा और उसकी घर वाली माई पिखा, घर विच औलाद कोई नहीं पर परमेश्वर ते कोई रोष भी कोई नहीं, भाई क्यों नहीं दिती। मन विच सोच लिया जेड़ी वस्तु परमेश्वर ने दिती है वो साडे लई सुखदायक है, जेड़ी नहीं दिती वो साडे लई चंगी नहीं होनी ताईओ नहीं दिती। भला पिता भी अपने बच्चियां नाल कदे कोई इस तरह कर सकदा है? पिता तां ओही वस्तु देंदा जेड़ी चंगी होवे। भाई संतोखा
ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਗ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਾ, ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਈ ਭਿੱਖਾਂ ਲੋ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਣੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗੀ ਯਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਖਲੋਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਭਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਈ ਭਿੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲਓ। ਮਾਈ ਭਿੱਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਮਾਈ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੰਗ ਮੰਗੇ ਭਿੱਖਾਂ। ਆਖਿਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਆਖੇ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਨੋ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖਿੜ ਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਉਹ ਮਾਈ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋ, ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨੌ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੇਗੀ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਸਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਆ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ। ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਤਾੜਿਆ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗ ਮੰਗੇ ਭਿੱਖਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਨੋ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ, ਵਿੱਚ ਚਵਾਰੇ ਪੋਤਾ ਖੇਡੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੇ ਭਿੱਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਹਨ ਬਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ
लख खुशियां लख खुशियां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे सतगुर नदर करे लख खुशियां
सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे, जी तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे 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 सतगुरु 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 सवारे, घर बैसो हर जन प्यारे, घर बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे, सुमारे सतगुरु तुमरे काज सुमारे, तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सुमारे सतगुरु तुमरे काज सुमारे, तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे 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 काज सवारे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, काज सवारे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे। सुमारे सतगुर तुमरे काज सुमारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, जी तुमरे काज सुमारे सतगुर तुमरे काज सुमारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, घर बैसो हर जन प्यारे, घर बैसो हर जन प्यारे, फिर घर बैसो हर जन प्यारे, घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, जी तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे। अर्जुन देव महाराज इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं, ऐ मनुख तू पटकना छड़ दे, डोलना छड़ दे, ते एकागर चित होके गुरु नानक दे दर ते बैठ जा, फिर घर बैसो, फिर होके एक गुरु नानक दा घर मल लै, ते फिर जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, तू जो गुरु को मंगेगा गुरु देवेगा, पर तेरा मन तो एकागर होवे, तेरा एक ते एकाद होवे, श्रद्धा होवे, सिदक होवे एक ते। महाराज बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिशकी कटिया जम की फासा, जेड़ा एक दे दर ते बैठ जांदा है, हे सतगुरु मैं तेरा हां, मैं तेरा हां, मैं तेरा हां, क्योंकि पति वर्ता स्त्री ओही है जेड़े अपने पति तो बिना होर सारे जगत नू पति दा दर्जा नहीं दे सकती। उच्चारण करो श्री, ते गुरु का सिख भी पूर्ण ओही है, सारिया ही धर्मां दा सत्कार करदा है, प्यार करदा है, सबनू
नमस्कार करद, पर जो उदी श्रद्धा अपने गुरु ते है, एकाद है, सिद्क है, भरोसा है, वो किसे होर ते नहीं। जो कुछ मंगदा है किसे होर कोलो नहीं, अपने गुरु कोलो मंगदा है। गुरु रामदास महाराज जी दे समय पाई आदम होया, घर विच औलाद कोई नहीं सी, बड़े जतन कीते के किमें कोई घर विच बूटा लग जावे। वाहिगुरु ने तन दौलत प्रतिष्ठा इज्जत सत्कार बड़ा बख्शिया, पर घर विच औलाद कोई नहीं। जो भी कोई घर दे बूहे अगो लंघना, उनु बेनती करके अपने घर ले आना, जल पानी दी सेवा करनी। भाई साहब भाई गुरदास जी लंघ रहे सन, ते भाई आदम ने बेनती की, महाराज मेरे गरीब खाने चरण पाके जाओ। भाई गुरदास जी जो सिख पंथ दे वेद व्यास होए हैं, जिथे गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरु की बाणी एकत्र कीती, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दा सुंदर स्वरूप जो लिखिया ना, ओ लिखारी हन भाई गुरदास जी। इतनी उच्च हस्ती दे मालक सन, लंघ रहे सी, भाई आदम ने बेनती कीती, महाराज मेरे ग्रह विखे चरण पाके जा। भाई साहब एडे प्यार दी बेनती सुन के चले गए, बड़ी भावना और सिदक दे नाल इन्हां ने सेवा कीती। ते भाई साहब गुरदास जी पुछन लगे, भाई मैं वेख रहा इतना सुंदर महल है तुहाडा, और घर दे विच कोई ऐसी वस्तु नहीं जेड़ी ना पई होवे, तन दौलत वाहिगुरु ने सब कुछ तुहानू बख्शिया, फिर भी तुहाडे चेहरे उदास क्यों हन? भाई आदम रो पिया, कहन लगा वाहिगुरु ने होर तां सब कुछ बख्शिया, पर घर विच औलाद नहीं है। दुनिया तो एवें औतरे ही चले जावांगे, क्योंकि पुत्ती गंढ पवे संसार, औलाद हुंदी है तां अगे संसार नाल गंढ पैंदी है। रिश्तेदारियां वधदियां हन, कबीले वधदे हन, प्यार वधदे हन, ते घर औलाद कोई नहीं तां उत्थे ही समाप्ति हो जांदी। बड़े जतन कीते हन पर कोई घर औलाद नहीं होई, तां भाई गुरदास जी कहन लगे, गुरमुखा प्यारिया, कदे गुरु नानक दे दर ते जाके भी चोली अड्डियो? आख्या ना तां सुनिया गुरु नानक दा, पर कदे ऐसा सुभाग प्राप्त नहीं होया। फिर जा भाई गुरु नानक दे दर ते, गुरु नानक दी चौथी जोत, गुरु रामदास महाराज रंग भाग ला रहे हन, बैठा सोढ़ी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावै, पूरन ताल खटाया, अमृत सर विच जोत जगावै। जा जोता जग रही हन, जा बख्शिशा वंड रहे हन, तुम्हीं सेवा करके प्रसन्न करके गुरु नू जो मर्जी है मंग ले। पर वेखी मन विच कोई शहुकारी लेके ना जाए, कुछ बन के ना जाए गुरु नानक दे दर ते, क्योंकि जेड़ा कोई गुरु दे दर ते कुछ बन के जांदा है, वह कुछ लिया नहीं सकता, सगों कुछ दे के आउंदा है। ते जेड़ा गुरु दे दर ते मंगता बन के जांदा है, गुरु कदे खाली नहीं भेजदा। भाई साहब गुरदास जी ते चले गए, ते भाई आदम ते उसकी घर वाली सोचदे हन, जे अंदर अमीरी होवे ते बाहरों जे गरीबी दावा करके गुरु दे दर ते जाइए तो यह भी ठीक नहीं। क्यों ना जितना तन माल जो कुछ भी है लोड़वंदा नूं वंड दईए, हुण अखां मीच जाइए इत्थे ही छड़ जाणा है, अपनी हत्थी वंड के जाइए। ते
फिर गुरु नानक दे दर ते जाके सेवा करिए। हो सकता है गुरु नानक तुठे ते दात साड़ी झोली विच पै जावे बच्चे दी। जो कुछ घर विच सुखां दे साधन सन सब कुछ लोड़वंदा नूं दे दिते वंड दिता ते आप गुरु रामदास महाराज दे चरणा विच आके लंगर दी सेवा संभाल ली। महापुरख क्या करदे सन भाई, जेड़ा संगतां दे जूठे बर्तन मांज रहा है ना, वो बर्तन नहीं साफ कर रहा, ओदा मन साफ हो रहा है। जेड़ा संगतां दी जूठ धो रहा है प्यालियां दे विचों, ए जूठ प्यालियां दी नहीं धोती जा रही, तेरे मन दी जूठ धोपी जा रही है, तेरा मन धोता जा रहा है। दिन रात सेवा विच लगे रहिंदे हन, भाई आदम अमृत वेले जाग के इशनान करके पहला अपना नितनेम करदा है, क्योंकि हर गुरसिख ने अपना नितनेम पहले करना। जो गुरु नाम दी दात बख्शे उदी कमाई करनी, ए हर गुरसिख दा धर्म है। जो भी कोई किसे दा धर्म है, गुरु है, मुबारक है, वो अपने गुरु लई समा कटे, उदा बचन मने ता खैर पाएगी। महापुरख क्या करदे सन भाई, दिन रात दा जो 24 घंटियां दा समा है ना, इस समय दा दसवां हिस्सा परमेश्वर दे लेखे जेड़े लाउंदे हन ना, उन्हां दा लोक भी सुखी हुंदा ते परलोक भी सुहेला हुंदा, क्योंकि परमेश्वर ने 9 हिस्से जीवन दे सानू दिते हन भाई। मौजा कर, खा पी, अपना कार विहार कर, बच्चियां विच खेड, सुख मान, पर दसवां हिस्सा परमेश्वर दे नाम दा जरूर कढ़ी। जेड़ा दसवां हिस्सा परमेश्वर दे नाम दा नहीं कढ़दा, ओ गुरु की दरगाह दी चोरी कर रहा है, ओ चोर है, उनू कोई नहीं छड़ा सकेगा। उत धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज तां क्या करदे सन कि जेड़ा जीवन दा दसवां हिस्सा सिमरन विच नहीं बिताउंदा, उनू 6 जूनियां तां जरूरी भोगनियां पैंदियां हन। 6 जूनियां गुरमंत्र हीनस जो प्राणी, जेड़ा गुरु दा मंत्र नहीं जपदा प्राणी, गुरमंत्र हीनस जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठ ने, ते केड़ियां जूनियां भोगनियां पैंदियां ने, कूकरे शूकरे गर्दबे काके तुलख ने सर्प ने, किड़ियां माड़ियां जूना हन। आख्या जेड़ा गुरु दा मंत्र नहीं जपदा, जेड़ा अमृत वेले जाग के इशनान करके पहले गुरु नू नहीं याद करदा, ये 6 जूनियां उदे लई तैयार हन। गुरु दा तां हुक्म है कि सब तो पहला इशनान करके अमृत वेले जपजी साहब दा पाठ करना। जो भी कोई किसे दा धर्म है, अपने धर्म लई अपना पहले काम सिमरन वाला करे, फिर मुंह जूठा करे। ते जेड़ा बिना परमेश्वर दे ना लिया मुंह जूठा कर रहा है ना, अंत वेले या एथे किते भी गुरु उत्ती सहायता नहीं करदा। उच्चारण करो श्री गुरमंत्र हीनस जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठ ने, कूकरे शूकरे गर्दबे काके तुलख ने सर्प ने। आख्या एक ता उस मनुख दा जीवन त्रिगकार है जेड़ा परमेश्वर दा नाम नहीं लैंदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी कह रहे हैं रहतनामियां विच कि जप बिना जेवै प्रसाद, ओ नहीं सिख मेरा आदि जुगाद। जेड़ा जप जी भी नहीं पढ़दा, 15 मिनट दी बाणी है, जेड़ा जप जी साहब दा पाठ भी नहीं करदा ते मुंह जूठा कर लैंदा, सवेरे उठे मुंह हाथ धोता, पशुआं वांगू पेट भरिया ते अपने धंधियां ते चले गए। आख्या ओदे नालों पशु कई गुणा चंगा है, पशु तां घास खा के अमृत रूप दुध देंदा है, पर नाम बिहून इंसान
त्रिग कारा ही सहदा सारिया दिया उचारण करो श्री जित मुख नाम ना उचरे बिन नामे रस खाए नानक एवें जानिए तित मुख थुका पाए आख्या पदार्थ नहीं छक रहा कहन नु चित नहीं करदा जेड़े परमेश्वर दा नाम नहीं जपदे ओ पदार्थ ओ वस्तु छक रहे हैं जो महाराज कह रहे तित मुख थुका पाए तो इसलिए गुरु किन्हां दे कारज सवारदा ये उन्हां दे सवारदा भाई जेड़े गुरु दा वचन मनदे भाई आदम ने दो गठे लकड़ा दे बनाने एक जमा कर लेना ते एक गुरु दे लंगर विच पहुंचा देना समा बीतता गया गठे जमा होंदे गए सर्दियां दी रुत आ गई बारिश होन लग पई संगतां बहुत आ गई हरिमंदर साहब कार सेवा हो रही सी कोई रहन नू थां नहीं ते भाई आदम ने जेड़ी लकड़ां जमा कीतियां सन थां थां ते अग बाल दित्ती अंगीठे ला दित्ते ते सारी संगत नू सुख पहुंचाया सारी संगत नू आराम मिलिया थां थां ते अंगीठे ला दित्ते अद्धी रात तो बाद जदों महाराज गुरु रामदास पातशाह बाहर आए भाई वेखिए संगतां दा की हाल है बारिश भी हो रही है सर्दी दी रुत है रहन नूं थां नहीं किवें बतीत हो रही होएगी ते जदों गुरु रामदास महाराज बाहर आके वेख्या थां थां ते अंगीठे लगे हन कोई जप जी दा पाठ कर रहा है कोई वाहिगुरु कर रहा है कोई कीर्तन कर रहा है अपने सिमरन विच जुड़े हुए हन मानो अद्धी रात वेले बैकुंठ दा समा बनिया होया बैकुंठ धाम बनिया होया आख्या भाई ये किदी सेवा है ता सेवादार ने दस्या जी ये भाई आदम दी सेवा है चंगा फिर सवेरे बुलाउना महाराज कहन लगे भाई आदम नू तू रात नू जो सेवा कीती है गुरु नानक दिया संगता नू प्रसन्न कीता है मंग की मंगदा शर्मा गया अंतर जामी महाराज कहन लगे भाई शाम नू आ जाई कारवाली नू नाल ले आई ते कारवाली नू नाल जदों ले आया शामा दे दीवान विच दोनों खड़े हो गए महाराज गुरु रामदास पातशाह कहन लगे मंगो की मंगदे हो भाई आदम अपने चिट्टे दाड़े वाल वेखदा कहंदा मैं हुण पुत्र मंगा लोकी हासी करनगे पर कारवाली रो के कहन लगी ओ सच्चा पातशाह ओ मेरा देसाई जे सच पुछदा तां असी तां औलाद दी खातर तेरे दर ते आए हां जदों आख्या ना औलाद दी खातर आए हां ते नेत्रां तो जार जार जल जान लगा तो मेरे पातशाह गुरु रामदास महाराज ने नेत्र मूंदे केड़े मस्तक दिया रेखा लिखिया ते केड़िया मेटिया ए तो ओही जानदे हन कहन लगे भाई आदम साडे घर चार सपुत्र होने सी तीन हो चुके हन भाई पृथिया महादेव अर्जन देव ते जेड़ा चौथा पुत्र होना सी ना साडे घर ओ असी तेरी चोली विच पाउंदे आ ओ भगती दा अवतार होएगा ओदा नाम भी भाई भगतू रखी तो थिर घर बैसो जेड़े थिर होके बह गए फिर गुरु उना दे आप कारज सवारदा तुम्बरे काज सवारे सतगुरु तुम्बरे काज सवारे तुम्बरे काज सवारे सतगुरु तुम्बरे काज सवारे तुम्बरे काज सवारे सुमारे सतगुरु तुमरे काज सुमारे तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
जय गुरु जी की।